एक ट्रक जो है हमारी तरफ दौड़ा चला आ रहा है। तुम्हारा नसीब या हमारा नसीब, अचानक ट्रक के बीच में एक टेम्पू आ गया और उस ट्रक जो है टेम्पू से टकरा गया और हम बाल बाल बच गए। काली का है लड़के भैया की कुंडली में। 5 दिन में टेम बोल जाओगे बेटा। पंडित जी इसका कोई उपाय उपाय नहीं है क्या? 5 दिनों तक तुमको किसी दूसरी स्त्री के साथ रहना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि तिवारी जी के साथ मैं ही रहूं। तिवारी जी के साथ कोई आदमी भी रह सकता है। कोई आदमी? यहाँ ऐसा कौन सा आदमी है जो लड्डू के भैया के साथ औरत बनकर रहेगा? अरे और कौन, विभु। अरे बहुत ही अगली लग रहे हो यार, बहुत मतलब बहुत वाहियात टाइप की औरत लग रहे हैं आप। बकवास बंद कीजिए, जैसा हूं वैसे लगूंगा। दीपिका या करीना तो लग नहीं सकता। ए यार, हम आपके साथ हम बिस्तर नहीं हो सकते, आप हमें पसंद नहीं आ रहे हैं। एक्सक्यूज मी, आपने समझ क्या रखा है मुझे? गुलफाम कली पसंद नहीं आई तो पेमेंट नहीं दी? कान खोल के सुन लीजिए, मुझे भी कोई शौक नहीं आपके साथ बिस्तर पे सोने का। आई एम फोर्स्ड इनटू दिस रैकेट। भाभी जी ने इतने प्यार से कहा तो मुझे मना ना किया गया। A lovely lady she is. अरे जो भी है यार, आप हमें पसंद नहीं आ रहे, बहुत अग्नि लग रहे हैं, मैं उबकाई आ रही हूँ। भगवान, पागल खाने का नाम खराब कर रहा है ये पागल खन्ना। कैसा लेट लतीफ है, क्यों नहीं आया अभी तक रिहर्सल के लिए? कितना लेट हो रहा है यार, क्या यार ची। अब तक लाफ्टर की रिहर्सल करता हूँ। अरे यार ये कैसी ग्रह चाल है यार, क्या हो गया हमें यार, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा साला, क्या से क्या। अब तेरा यार, ये क्या 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 करने क्या जा रहे थे पंडित जी आप? हमने क्या करो यार है? तुम्हारी दिन खराब चल रहे समझ रहे हो? और रामपाल पंडित जी जो कह में ना सच कह में, उनकी भविष्यवाणी कभी गलत ना जावे। उनने कही है ना कि यमराज तुम पे नजर रख रहा है, तो रख रहो, ये गांठ बांध के रख लो अपने दिमाग में। यमराज अरे तिवारी जी, अब आप रोते ही रहेंगे कि बताएंगे भी हुआ क्या आखिर? क्या हुआ लड़के भैया, क्या हुआ, क्या ही रो रहे हैं? क्या बताएं भाभी जी, हमने दरअसल साक्षात यमराज को देख लिया। अदिया, कहाँ देख लिया आपने यमराज को? अरे यही अपनी गली में देख लिया, और कहाँ। प्लीज तिवारी जी, ये ना कुछ ज्यादा ही हो गया। आप नहीं भाभी जी, हम अपनी अम्मा की कसम खा के कह रहे हैं, हमने देखा है। हाँ तो हमको ये बताइए लड्डू के भैया कि यमराज जी कैसे दिखते हैं? वो ये बड़ी बड़ी मूछें हैं, लंबा कद है, मुकुट हाथ में गधा, और वो भैंसे की सवारी थी, मतलब। यार एक बात समझ नहीं आई मुझे कि मतलब दुनिया में एक से एक जानवर है जैसे ऊंट, घोड़ा, शेर, लेकिन यमराज जी को ये भैंसे की सवारी मिली, जबकि भैंसा सबसे स्लो भागता है, कांट रन फॉर लाइफ। विभूति भैया जी, क्या कह रहे हो तुम, है क्या कह रहे हो? भैंसा बहुत स्लो ना हो, बहुत तेज दौड़े, बहुत तेज। तुम्हें पता है हमारे गांव में तो भैंसन की रेस हो। क्या बात करी, भैंसों की रेस होती है? हाँ बहुत तेज, सबरे सांड सारे भैंस एक संग छट्टे घूम जाए। अच्छा, जैसे हम लोग भागते हैं, लगे एक ह्यूमन बींग्स की रेस होती है, वैसी होती है? हाँ वैसी वैसी, जैसे अपनी रेस हो। यार एक मिनट, हमारी जान पर बनाइए, आपको जो भैंसे की रेस पर डिस्कस करना है, आप हमें बताइए कि ये भैंसे यमराज से कैसे छुटकारा पाया जाए। अरे भैया तिवारी, तुम्हें पंडित रामफल जी ने साफ साफ कह दी कि तुम्हें पराई स्त्री के संग ना चिपक के रहनो है, पर तुमों की दूर भाग रहे हो। अरे वो इसलिए क्योंकि स्त्री नहीं स्त्रा है। अब जो चाहे स्त्री है चाहे स्त्रा है, इन्हीं के संग एंजॉय करना है तुम्हें, समझ गए? एक्सक्यूज मी, ये क्या कहा अभी आपने? Enjoy करनो है मतलब क्या हुआ आपका है? मतलब मेरो जे हो कि तुम्हें जई स्त्री के संग प्यार से रहनो है।
अनु मैं एक बात साफ साफ कह रहा हूं, यह आदमी नजदीक आएगा आई डोंट माइंड, अगर इसने छुआ ना मैं चिल्लाऊंगी, मतलब मैं चिल्लाऊंगा अगर छुआ था साथ। अरे यार हमें भी कोई शौक नहीं है समझे, मतलब हमें भी अटपटा लगता है। बहुत शांत हो जाइए आप लोग, पांच दिनों की बात है और आप बहस कर रहे हैं। बहस कर रहे हैं, काश आप होती हमारे साथ। अरे जी आपके होठ ऐसे ऐसे फड़फड़ा रहे हैं, तेज बोलिए। कुछ नहीं, आइए चलिए आइए। अरे डोंट यू टच मी, ये चलिए। ओफ नहीं छूइए ना, तो काट दोगे। चलिए भाभी जी रोज सुबह इसी तरह पौधों को पानी देती हैं, अभी तक सो रही है, जागी नहीं है। ये साला कमबख्त, मोहब्बत भी जो है ना बड़ी कमीनी चीज है। अब देखिए ना, अच्छे खासे मर्द से एक औरत बने घूम रहे, बहुत मजा है इसका, अपना मजा है। हाय दिया भरभूति जी, क्या बात है, आप हमारे पौधों को पानी दे रहे हैं? जी भाभी जी, इन पौधों के इस उम्मीद में पानी दे रहे हैं कि ये पौधे बड़े होंगे तो पेड़ बनेंगे, और फिर इस पेड़ की छांव में बैठकर आप और मैं इश्क लड़ाएंगे, मोहब्बत की पिंगे बढ़ाएंगे। अका बोले, मैंने कहा भाभी जी कैसी हैं आप? हम तो एकदम ठीक बा। अरे भरभूति जी आप ना हम पर बहुत ही बड़ा फीवर किए हैं। भाभी जी इट्स नॉट फीवर, इट्स फेवर। ऐसे ही पकड़े हैं आप, बहुत बड़ा एहसान किए हैं हम पर। भाभी जी हमारी मोहब्बत को एहसान का नाम मत दीजिए। अका बोले, भाभी जी मैं कह रहा था कि वो आप और हम तो पड़ोसी हैं और पड़ोसी के काम आना तो हमारा फर्ज है। So neat of you. भाभी जी नीच तो तिवारी जी हैं। अका बोले? भाभी जी so nice of you. ऐसे पकड़े हैं। चमेली। क्या कर रही हैं? चल हमारे लिए नाश्ता बना। ये क्या बदतमीजी तिवारी जी? आप मुझे चमेली क्यों बुला रहे हैं? अरे अब आपको किसी ना किसी नाम से तो बुलाना पड़ेगा ना भूति जी। क्या बेहूदा नाम है, एक से एक नाम है, जैसे कि स्वीटी बुलाइए, जूसी बुलाइए, मिल्की बुलाइए। और सुनिए, खाना मैं अपने घर में बनाता हूँ, मैं आपके बाप का नौकर नहीं हूँ, अभी घर में खाना बनाऊंगा। यहाँ पे खाना अपना, खुजाना अपना, समझे? खुजाना जी, खुजाना। सुनिए भरभूति जी हमारी बात सुनिए। बोलिए ना भाभी जी। प्लीज हमारे लिए पांच दिन तक ये सब झेल लीजिए ना हमारे लिए। ठीक है भाभी जी, आप कहती हैं तो आपके लिए हम कुछ भी झेल लेंगे। ए जी सुनिए ना, खाना बना रही हूँ, आ जाइएगा। अरे तुमको बहुत मिस कर रहे हैं पगली डार्लिंग। अरे लड़के भैया ये क्या कर रहे हैं? हम भूल रहे हैं कि आप पर यमराज का नजर है। भाई मिल्की भाग्यवान, नाश्ता तैयार है क्या? सही पकड़े हैं। अरे ढंग से चमका दे मलखान, चमका, मेरे थोड़ो देखना चाहिए इसमें। माहेश्वरी जी की साइकिल है, लौटानी है उनको। सारे तू तो शीशे में भी ना अच्छे से नजर ना आता है, कितना काल हुआ है तू, कुछ ना हो चमकाने से। यम है हम मृत्यु के स्वामी, यम हम जिसको देख लेते हैं वो थर्रा उठता है, तीनों लोक हमारे नाम से कांपते हैं, तीनों लोक। मैं अगर फूंक मार दूं तो प्रलय आ जाए, प्रलय। मैं अगर ठहाका लगा दूं तो भूकंप आ जाए, भूकंप। भैया जी कह रहा है तो फिलहाल रखो है। अरे भैया तुम जाहिलों को मूर्खों को क्या जवाब दूं मैं, ये क्या है समझ नहीं आएगा तुम्हारे एक्टिंग अभिनय। सक्सेना जी जी का कह रहे तुम, हाँ मैं ना मालूम अभिनय का हो तो है, हम बहुत जबरदस्त एक्टर है रे। भैया जब हम को लड़की को छेड़ के थाने में जाते हैं ना भैया, तो वहां पर है ना
पुलिस वाले हमसे पूछते हैं तो हम उनके सामने इतनी एक्टिंग करते हैं, इतनी एक्टिंग करते हैं ना, तो वो दया करके हमको छोड़ देते हैं। लौंडो वो क्या है ना कि जो तुम लोग करते हो ना वो एक्टिंग नहीं है, वो बदतमीजी है, वो छलावा है, धोखेबाजी है। अच्छा सक्सेना जी, तो तुम बता दो एक्टिंग किसको कहते हैं? हैं? एक्टिंग उसको कहते हैं जिसको कि मैं कर रहा हूँ अभी, जो मैं कर रहा हूँ। भैया कर कर रहे हो ये तो बताओ। अरे हर साल हम पागल लोग इंटरनेशनल मैट डे मनाते हैं, इस बार भी बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है आगरा के पागल खाने में। तो सक्सेना जी तुम क्या कर रहे हो उसमें? मैं इस बार बहुत ही जबरदस्त नाटक कर रहा हूँ अपने पागल साथियों के साथ मिलके, और मैं उस नाटक में यमराज का रोल प्ले कर रहा हूँ। अरे वाह भैया, फिर तो जा नाटक में हमें भी एक चांस दिलवा दो छोटा सा। दिलवाया था मैं, जरूर दिलवाया था, पर सॉरी यार पागल नहीं हो ना तुम लोग। तो ठीक है सक्सेना जी, हम भी पागल बन जाएंगे। पागल बन जाएंगे? पागल बनना इतना आसान है? बहुत कड़ी मेहनत लगती है, बहुत बड़े बड़े कड़े कड़े इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है, कितने शौक लेने पड़ते हैं पता है, बहुत बड़ी तपस्या है ये, बहुत बड़ा हार्ड वर्क है, पागल बनना इतना आसान नहीं है। लौंडो तुम लोग जैसे हो ना लुच्चे लफंगे आवारा बदमाश, बस वही बढ़िया है, वैसे ही रहो हैं, चलो बाय बाय। आई लाइक इट। यार मलखान दुनिया में बड़े बड़े पागल देखे, ऐसा पागल तो मैंने कभी ना देखो यार। यार टीका बिल्कुल सही कह रहे हो, ये सक्सेना जी है ना शोकेस में सजाने वाला आइटम है। अब कहा देख रहे हो इधर चमका साइकिल को। अरे भाई हो तो गई साफ, कितना निकालेंगे अब, आ जाइए। अरे आ रहे तिवारी जी, मुझसे एक खेल और नहीं खेला जा रहा, आप एक काम कीजिए गुलफाम कली को बुला लीजिए, बिकॉज यू डिजर्व। ये क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप? मतलब आपको हमारी जान की जरा से भी फिक्र नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। अरे ये मतलब आप चाहते हैं कि अंगूरी और सफेद साड़ी पहनकर दरबदर की ठोकरें खाती फिरे? उनके लिए हम हैं ना। क्या कहा आपने? मैंने कहा उनके लिए मैं और अन्नु हैं। आप भाभी जी की देखभाल ठीक से नहीं कर पाते, अंगूरी की का घुइया देखभाल करेंगे आप? ठीक है मैं चलता हूँ। नहीं 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 भभूति जी, देखिए देखिए क्या है कि इस समय हमारे जीवन की डोर आपके हाथ में है, और वैसे भी हमारे बहुत से अरमान पेंडिंग पड़े, हम तो भाभी से ठीक से प्यार भी नहीं कर पाए। मतलब आपकी भाभी जी से? अच्छा वो आप ठीक से प्यार नहीं कर पाए उनसे, एक मासूम लड़की को फंसा के आपने उनसे शादी की, बेवकूफ बना के शादी की आपने, उन कर्मों का नतीजा है जो भुगत रहे हैं आजकल आप। आप हमारी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाकर फालतू की बकवास किए चले जा रहे हैं? मैं बकवास कर रहा हूँ? ठीक है मैं जाता। अरे नहीं नहीं नहीं, देखिए देखिए भभूति जी हमें छोड़कर मत जाइए, यमराज की गिद्ध दृष्टि हम पर लगी हुई है, अगर आप चले गए तो वो हमें लील लेगा, प्लीज मत जाइए प्लीज। खिसकिए और गिर जाएंगे भाई। ठीक है लेटिए। अपसेट क्यों लग रहे हो? हाँ नीता जी वो कहा है ना कि लड्डू के भैया को
लड्डू के भैया को क्या? क्या है ना कि उनको हमारा हाथ पकड़ कर सोने का आदत है, लेकिन आज तो वो भरभूति जी के साथ सो रहे हैं, पता नहीं कैसे सो रहे होंगे। अरे तो क्या हुआ, विभू को भी तो मेरी आदत है। अच्छा, एक्चुअली ना विभू रात को मुझे गले लगा कर सोता है। हदिया, आप भरभूति जी को गले लगा कर सोती हैं? जी, एक्चुअली विभू मुझे गले लगा कर सोता है। हाँ, कोशिश तो लड्डू के भैया भी बहुत करते हैं हमको गले लगाने का, लेकिन हमारा ये आदत नहीं है। कहा है ना कि लड्डू के भैया ना हमको बहुत जोर से कस कर गले लगा लेते हैं, अरे हमारा तो दम ही घुट जाता है। अच्छा, अगर ऐसी बात है ना तो आप उनको कस कर पेट पे मुक्का मार दिया करिए, उनकी ना पकड़ ढीली हो जाएगी। अरे आप ऐसा करती हैं? मैं तो ना विभू को कभी कभी पेट में मुक्का मार देती हूँ जब वो मुझे जोर से गले लगाता है। आप बहुत स्ट्रांग है अनीता जी, हम ऐसे नहीं है। अरे तो ऐसे बन जाइए ना। क्या है ना अंगूरी जी, मर्द चाहे कितना भी स्ट्रांग हो वो बेडरूम में कमजोर होता है, और हमें उसे कमजोर ही रखना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। ठीक बा, हम ध्यान रखेंगे इस बात का, लेकिन हमको एक तो और बात का टेंशन हो रहा है। अब किस बात की टेंशन? कि भरभूति जी और लड्डू के भैया अभी क्या कर रहे होंगे? अरे कर रहे होंगे कुछ भी, मर्द हैं, बातचीत कर रहे होंगे आपस में। लेकिन जब सो जाएंगे तो? सो जाएंगे तो सो जाएंगे। नहीं नहीं, हमारा मतलब ये है कि जब लड्डू के भैया सो जाते हैं ना तो उनको कुछ होश नहीं रहता है। होश नहीं रहता है मतलब? हाँ तो कहा है ना कि एक बार जब हम मायके गए थे ना तो टिल्लू भैया लड्डू के भैया के बगल में सोए थे, तो जब टिल्लू भैया सुबह उठे ना तो उनके दोनों होठ सूजे हुए थे। आइडिया गॉड, विभू, गॉड सेव यू। अरे यार कितना फोन करते हैं लोग। हेलो, अरे यार तुम क्या आदमी हो यार, हैं? इतना बोला था तुमको? नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम, बहुत अच्छा, सुपर्ब, नाइस, वेरी वेरी गुड। हाँ बिल्कुल, मेरे से क्या पूछ रहे हो तुम, हैं? जानते नहीं हो कैसा एक्टर हूँ मैं, हैं? कैरेक्टर की चमड़ी में घुस जाता हूँ मैं, हाँ, यमराज हूँ मैं, यमराज, यमराज, समझे? गुड नाइट, चलो रिहर्सल बहुत ज़रूरी है, टाइम पे आना, गुड नाइट, गुड नाइट। क्या भाभी माँ, ये क्या करती हैं आप, हैं? कितनी चोरी चकारी हो रही है शहर में, पता है आपको? खिड़की बंद करना भूल जाती हैं आप हमेशा। अब आपके घर की हिफाजत तो मुझे ही करनी पड़ेगी ना भाभी माँ। क्या करूँ मैं ही बंद करता हूँ खिड़की। सीढ़ी चाहिए, सीढ़ी, सीढ़ी, सीढ़ी चाहिए। नहीं होने दूंगा मैं आपके घर में चोरी। आपका ये जो बेटा है ना, ये जिंदा है अभी। भाभी जी,
अनु भाभी जी अनु भाभी जी अनु काम वाली बाई है क्या? मैं काम वाली बाई नहीं हूं। वो तो मैं भरवती जी आप इतने सुबह सुबह यहाँ कहाँ है आ गए? भाभी जी बस समझ लीजिए कि जैसे जैसे अपनी इज्जत बचा कर आया हूँ आपके लड्डू के भैया ने क्या हाल किया मेरे गालों का देखिए गालों का मरीदा बना दिया। I'm being mauled and molested. Oh my God, विभू तुम्हारे तो गाल बिल्कुल लाल पड़ गए हैं। सोच भी गए हैं। बात गालों तक ही थी आप आगे तक बढ़ गए। अच्छा रो रहे हैं ये कमत बल की बात आगे तक पहुंच गया। क्या हुआ? क्या हुआ कहीं तिवारी जी ने तुम्हें लूटा नहीं बस लुट्टे की कगार पे था। My God, he wasn't the virgin, I wasn't the virgin. Yeah. God. अभी जी, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं तिवारी जी के साथ रह नहीं सकता।